फ्रेंड्स, दिस निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बॉली टॉकीज। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने चेहरे से। एनी गेसेस, हम आपको एक हिंट देते हैं, धोखा है तो सॉन्ग के एक जाने माने चेहरे से। अगर आप गेस नहीं कर पाए हैं तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं उनसे, गिरीश नाकोड से। सो वेरी वेलकम सर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलकर आज। सो क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू फॉर बॉली टॉकीज कि हाँ ये इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं आपसे सबसे पहले न्यू जो आया है गाना जो आपने वी स्क्वायर म्यूजिक के साथ किया है सुपर गर्ल, उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। यार सुपर गर्ल ऐसा गाना है विच इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो उस गाने से बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे आसपास की जितनी भी लड़कियाँ हैं और औरतें हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो या ताकतवर हो या तुम चीज़ें कर सकती हो, वो तुम कर सकती हो। तुमको किसी को बताने या जताने की ज़रूरत नहीं, यू आर ऑलरेडी स्ट्रांग, भगवान ने तुमको ऐसे ही बनाया हुआ है, यू आर स्ट्रांग, तो यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन। ओके, बट जब आप गाना लिख रहे थे या उसे कंपोज कर रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत कुछ है जो गर्ल्स पावर को लेके बन चुका है, बहुत सारी मूवीज़ है, बहुत सारे गाने आ चुके हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो इसमें कुछ अलग देखने के लिए ऐसा क्या था? इसमें अलग यही है कि जैसे बाकी गाने मैं बहुत ऐसे गाने तो मुझे पता नहीं बट मैंने जितने सुने उसमें ऐसा दी सॉन्ग्स डिमांड रिस्पेक्ट, कि वो बोल रहे हैं कि तुम वुमेन को रिस्पेक्ट करो। मैं इस गाने में बोल रहा हूँ कि लड़कियों के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम करो या ना करो, वो अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है और उनको किसी को मांगने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत पावरफुल हो ऑलरेडी, तो यही मैं बताना चाहता हूँ इस गाने के थ्रू। ओके, दैट्स रियली नाइस। बस एक और चीज़ इस गाने के बारे में जानना है कि सुपर गर्ल, हम कह रहे हैं कि सुपर गर्ल है बट लोगों के माइंड में ऐसा क्या है जो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि लड़कियां सच में इतनी स्ट्रांग है? ऐसी क्या मेंटालिटी है कि क्यों इतना पीछे है आज भी? लड़कियों के लिए सवाल उठते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है, सो कि इस चीज़ के पीछे क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? यार इस चीज़ के पीछे तो मैं तो यही, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझता हूँ कि लोगों में उतनी अभी लिटरेसी नहीं है कि वो जानते नहीं है कि लड़कियां क्या कर सकती है, उनको हमेशा दबाया जाता है, वो तो उनकी मेंटालिटी है। अब मैं मेंटालिटी के सामने तुम क्या ही कर सकते हो, तुम कोशिश कर सकते हो कि उसको चेंज करो, जिसकी तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, इसलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इतना आजकल वो करते हैं कि नहीं इक्वली उनको देखो, इक्वली उनके साथ बिहेव करो, बट वही है कि वो तो डिज़र्व करते ही है यार, इक्वली तो एवरीवन इज़ इक्वल, सो यू डोंट हैव टू ऐसे कि ये लड़की है ये लड़का है, उसमें कोई नहीं, सारा काम सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आज की। ओके, तो चलिए ये हुई सुपर गर्ल की बात। अब हम जानना चाहते हैं आपकी म्यूज़िक के बारे में, जो अब तक आपने काम किया है कैसी म्यूज़िक्स है, लव ट्राइंगल, रोमांटिक, सैड, ब्रोकन हार्ट, एवरीथिंग? यार मुझे तो सारा टाइप का म्यूज़िक करना पसंद है, मेरा कोई ऐसा फिक्स जॉनर नहीं है, आई लव डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक एंड मैं वही करना चाहता हूँ कि मतलब मुझे ऐसे किसी एक चीज़ से ऐसा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं, मेरे लिए सारा टाइप का म्यूज़िक म्यूज़िक है, एनीथिंग दैट प्लीजेज माई ईयर्स इज़ म्यूज़िक। ओके, आपका सॉन्ग धोखा है तू इट्स लाइक हिट एट 6.5 मिलियन ऑन यूट्यूब, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो तो बस एक, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट आया था दिमाग में, तो उसी को हमने एक स्टोरी का फॉर्म दिया है एंड आई एम ग्लैड पीपल आर लविंग इट। बहुत लोगों से मुझे ये मिला, मतलब बहुत प्यार मिला है उस गाने को और 6.5 मिलियन कर रहा है तो काफ़ी आई एम हैप्पी। That's really nice. And अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है रिक्रिएटिंग करने का, सो लोग नया गाना, मीन्स लाइक नहीं कहना चाहिए बट बॉलीवुड में ऐसा है कि लोग खुद कुछ नया नहीं क्रिएट कर रहे, पुराने गाने हैं या फिर पंजाबी सॉन्ग्स हैं उन्हीं को लेके बस रिक्रिएट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यार मतलब बाकियों का तो पता नहीं बट आई बिलीव इन क्रिएटिंग, मतलब मुझे क्रिएट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को पहले कंपोज़र बोलता हूँ, तो फिर वही है क्योंकि अब पंजाबी इंडस्ट्री को मुझे लगता है कि क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री इतनी चल रही है क्योंकि वहाँ पे तो नए गाने बना रहे हैं वो लोग, और वो लोग ज़्यादा रिक्रिएट वो लोग नहीं कर रहे, बॉलीवुड शायद ज़्यादा रिक्रिएट कर रहा है,
क्योंकि वो लोग अच्छे गाने बना रहे हैं। अगर यही बॉलीवुड बनाए अच्छे गाने तो शायद बॉलीवुड को ज़रूरत ना पड़े कि पंजाबी गानों को रिक्रिएट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और बहुत टैलेंट है बॉलीवुड में, बस देखते हैं अभी कैसे कहाँ जाता है बॉलीवुड, लेट्स सी। वैसे देखा जाए तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, अनप्लग या रिक्रिएटिंग? अनप्लग्ड, क्योंकि मैं अपने सारे कॉम्पोजिशन अपने गिटार पर करता हूँ तो इसलिए फॉर मी इट्स अनप्लग्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इट्स नॉट अ लिस्ट बट लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अब आपको क्या मतलब क्या करते देखेंगे, क्या नया सुनेंगे हम आपसे? यार काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वी स्क्वायर म्यूजिक के साथ तो काफ़ी कुछ एसोसिएशन हो रही है अभी, सो देर विल बी अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ कमिंग एंड लेट इट बी अ सरप्राइज। सो अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता हूँ अपने किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, जैसे जैसे आता जाएगा आपको दिख ही जाएगा। ओके, चलिए जाने से पहले हम अब चाहते हैं कि व्यूअर्स के लिए आप कुछ तो लाइन गा दें। मेरा एक गाना है दिल खोने लगा है, जो मेरा पहला सॉन्ग था मेरे चैनल पे, तो ढूंढता फिर रहा जानू नहीं कहाँ छिपा है ये दिल खोने लगा है, टू 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 ये दिल खोने लगा है। थैंक यू सो मच सर, सो बीन। थैंक यू।